दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इस वीडियो में न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं हम। 19 जनवरी 2019, इस दिन काफ़ी सारी नोटिफिकेशन आई, तो एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेकंड अपडेट अर्ली डिक्लेरेशन की आ चुकी है। अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है दिसंबर 2018 के एग्जामिनेशन का, उसकी सेकंड अपडेट आ गई है। उसके लिए आप अगर लिंक चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, उस पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दूसरी की बात करें, दूसरे की, तो एमए डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसका न्यू एडवर्टाइजमेंट जो है इग्नू ने रिलीज़ किया है, जिसमें कहा है कि एमए डेवलपमेंट में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये नया नोटिफिकेशन है जो आया था इग्नू की वेबसाइट पर। उसके बाद स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस जो है वो भी अपडेट हुआ है, तो आप अपना स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस ज़रूर चेक करें। उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो जो है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, साथ में इस वीडियो में भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। उसके बाद फोर्थ की बात करें, तो बीएड जून 2019 का री रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी शुरू हो सकते हैं। बीएड जून 2019 के रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू हो सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इसके लिए बीएड जून 2019 का रजिस्ट्रेशन जो है जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ की बात करें, तो एमबीए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। एमबीए ओपन मैट में रजिस्ट्रेशन जिन जिनको करवाना है वो करवा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी 2019 है, तो इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अगर आप एमबीए ओपन मैट में इंटरेस्टेड हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की 5 नोटिफिकेशंस की। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।